नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेमोरी ट्रेनिंग के ऊपर है। मेमोरी ट्रेनिंग के ऊपर मैं आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक करा चुका हूँ। कैलेंडर से लेके मैंने पीरियड टेबल तक आपको सारी चीजें करा दी हुई है, ठीक है। अगर आपने मेरे वो सारे वीडियो नहीं देखे हुए हैं कि ये सब ट्रिक आते कहाँ से, क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सीधी सी बात नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए, मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वहां टॉप पे दिखेगा, ठीक है, मेमोरी ट्रेनिंग करके। तो वहां पे आप मेमोरी ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा सीरियल वाइज में दिखेगा। तो आप पूरा स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि यहां से आप बीच में देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आप पहले इस टेक्निक के बारे में सीखिए कि इस टेक्निक को स्टार्ट कैसे करते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट देखें तो आपको नहीं आएगा, तो आप पहले पहला वीडियो इसका देखिए ट्रेनिंग का, उसके बाद आप यहाँ पाएंगे, ठीक है। और जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टेट एंड देयर एस्टैब्लिश डेट। एंट्रेंस एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनके एस्टैब्लिशमेंट डेट क्या होते हैं, और हम भी इतना याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है। हमारा जो मेमोरी है उतना चीजें याद नहीं रख पाता है। बट जिस टेक्निक से मैं आज बताने वाला हूँ, जिस टेक्निक से मैंने करेंसी याद कराई है आपको, कैपिटल से याद करा दिए हुए हैं, ठीक है, सारी चीजें याद करा दी हुई है, लगभग सारी चीजें, डैम, रिवर, ओरिजिन, लोक नृत्य, पीरियड टेबल, मतलब लगभग अभी मैंने जितना बोला नहीं उससे भी ज्यादा मैंने कवर करा चुका है। तो वो सारे टेक्निक्स है, इसी तरह से ये भी एक टेक्निक है। आइए उसको समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कितने लिखे हुए, टोटल 12 लिखे हुए, 12 स्टेट लिखे हुए उनके एस्टैब्लिशमेंट डेट के साथ में। जैसे महाराष्ट्र दिवस का मनाया जाता है 1 मई को, ये तो कोई भी बता सकते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, इन सबका बताइए, तो आपको नहीं आएगा, तो आपको नहीं आएगा ना, क्योंकि इतने सारे चीजों को आप कैसे याद कर पाएंगे। अभी आपसे महाराष्ट्र का पूछे सिर्फ महाराष्ट्र का बता पाएंगे, कोई अगर राजस्थान का तो राजस्थान का बता पाएगा, कोई उड़ीसा का तो उड़ीसा का बता पाएगा, मैक्सिमम 2 से 3 बता पाएगा और कितना, ठीक है। बट एक ट्रिक है, उस ट्रिक से देखिए आप फटाफट किस तरह से बता सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम नागालैंड का करने वाले हैं। नागालैंड, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा और मिजोरम। इसके बाद मैं आपको और अवेलेबल करा दूंगा, कम से कम मैं 22 कराऊंगा, उसके बाद आप खुद से करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइए, कुछ लोग तो इतना अच्छा कमेंट करते हैं कि उनको उनका आंसर राइट होता है, एग्जैक्ट होता है, जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि उनका आंसर ऐसा होना चाहिए, वो उसी तरह से आंसर देते हैं। सच बता रहा हूं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जिस तरह से मैं सोचता हूं उसी तरह से वो भी सोचते हैं, ये सोच के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट करिए जितना मैं बताऊंगा, जितना मैं नहीं बताऊंगा उतना आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि ये एस्टैब्लिशमेंट डेट इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नागालैंड को आप किस तरह से याद कर सकते हो? अब मुझे भी यहाँ पे कोई भी डेट याद नहीं है, बट मैंने जिस ट्रिक से याद किया आपको बताता हूँ, ठीक है। तो नागालैंड, फिर जम्मू कश्मीर, मैं जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करता हूँ, नागालैंड का आप मुझे बताएंगे, ठीक है, पहले ही होमवर्क मिल गया, नागालैंड का आप मुझे बताएंगे। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं, ऐसे इमेजिन कीजिए, जम्मू कश्मीर में आपको पता है हर आए दिन हमले होते रहते हैं, तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास क्या रखते हैं, गन रखते हैं, क्या रखते हैं, गन रखते हैं, ठीक है। तो गन जब अपने पास वो क्या रखते हैं, गन रखते हैं, तो गन का अगर हम ब्रेक करेंगे, गन को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 6 और 2, यहाँ पे बीच में स्लाइसिंग लाइन आ जाएगा, ठीक है, 6 और 2, तो मतलब 6 फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब उसी तरह से थर्ड देख लेते हैं। आइए मैं नागालैंड का आपको बता ही देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि पहले होमवर्क दे दिया सर ने, आपको मैं पहला बता देता हूँ। तो मैंने आपको जिस तरह से बोला है कि मैं यहाँ पे 2 कोडिंग बताता हूँ, एक तो हमारा जो जिसका हम कोडिंग कर रहे हैं, जिसका आंसर हम निकाल रहे हैं उसका, और फिर उससे दोनों को कनेक्ट करते हैं ताकि हम ये नाम देखें तो हमको उसी के नाम के साथ वो चीजें याद आ जाए, ना हमको समझना पड़े ना हमको बार बार चीजें रटनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे नागालैंड से कौन सा कॉमेडी कोड निकाल सकते हैं, नाग। ऐसा इमेजिन कीजिए कि नाग ने आपके दादा को काट लिया, नाग ने आपके दादा को काट लिया, दादा को ब्रेक करेंगे तो 1-1 आएगा, ठीक है, 1-1 आएगा, दादा के बीच में लाइन खींच देंगे तो 1 जनवरी आ जाएगा, 1 जनवरी, ठीक है। अंडमान और निकोबार, ठीक है, आप ऐसा इमेजिन कीजिए, अंडमान, अब यहाँ पे अंडमान को अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, अंडा दिखेगा, ठीक है, ये समझ गए, अंडा, ये क्या है, अंडा, अंडमान वाला, अंडमान निकोबार, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडा लिखा हुआ, ठीक है। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपको अंडा आपको दादी माँ खिला रही है, कौन खिला रहा है, आपकी दादी माँ आपको अंडा खिला रही है, ऐसा इमेजिन कीजिए, अंडमान से अंडा निकाला, अंडा कौन खिला रहा है, आपको दादी माँ खिला रही है। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 1-1-3, ठीक है, बीच में लाइन खींच दिया तो 11 मार्च, ठीक है,
तो इस तरह से देखिए कितना सिंपल है, वर्ड को इससे कनेक्ट करिए, फटाक से इमेजिन कीजिए चीजों को। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपकी दादी माँ अंडा आपको खिला रही है, तभी आपको आंसर आएगा फटाक से। अब यहाँ पे दिया हुआ बिहार, ऐसा इमेजिन कीजिए कि बिहारी लोग जो बिहार होते हैं, बिहार के लोग आपको नानी माँ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नानी माँ। अब आप मेल हो फीमेल हो वो जाने तो मैटर नहीं करता, बट हमको चीजें कॉमेडी बनानी है, जितना ज्यादा कॉमेडी उतना ज्यादा चीजें बाहर होती हैं। तो आपको बिहार में आपको किस नाम से जाना जाता है? आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपकी बिहार में बहुत बेइज्जती हो जाती है, हद से ज्यादा बेइज्जती होती है। आप जब बिहार में जाते हो आपको लोग एक ही नाम से चिढ़ाते हैं, नानी माँ आ गई। ठीक है, ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपको बिहार में किस नाम से बुलाया जाता है, नानी माँ। आपको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 22 मार्च। ठीक है, तो 22 मार्च आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को आपको नानी माँ के। अब राजस्थान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? राजस्थान में कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे राजस्थान दिया हुआ है, तो मैंने राजस्थान को हमेशा राजा से इंडिकेट किया हुआ है। किससे इंडिकेट किया हुआ है? राजा से इंडिकेट किया हुआ है। तो राजा के स्थान, अब यहाँ पे देख रहे हैं राजस्थान, तो राजा का स्थान। अब जहां पे राजस्थान में राजा का स्थान था, अब वहां पे म्यूजियम बन गया है। जहां पे पहले राजा का स्थान, राजा की मूर्ति लगी हुई थी राजस्थान में, अब वहां पे म्यूजियम बन चुका है। क्या बन चुका है? वहां पे म्यूजियम बन चुका है। ठीक है, म्यूजियम बन चुका है। तो अब म्यूजियम को हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? 303। ठीक है, 13 मार्च। समझ गए आप? तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13 मार्च। ठीक है, ओके। अब ये राजा के स्थान पे क्या बन चुका है? म्यूजियम बन चुका है। अब अगला हम देखते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा से हम क्या कर सकते हैं? आपको राजस्थान से मैंने बताया कि राजा का स्थान, बट जैसे बिहार से मैंने आपको बताया कि बिहार में आपको लोग नानी माँ से पहचानते हैं। ठीक है, उसी तरह से अंडमान आपको कौन खिला रहा है? नानी माँ खिला रही है। लेकिन आप उड़ीसा से क्या करेंगे? देखो, उड़ीसा को अगर आप बार बार बोलेंगे उड़ीसा तो याद आता है उड़ीसा, उड़ जा। ठीक है, उड़ जा, उड़ीसा, उड़ना। ठीक है, उड़ीसा का उड़ना। ठीक है, उड़ीसा उड़ना। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपको उड़ने में बहुत ज्यादा डर लगता है। क्या लगता है? डर लगता है। तो डर को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 14 बीच में लाइन आ जाएगा, तो 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल। नेक्स्ट गुजरात। तो गुजरात का क्या था? गुजरात का मैंने कौन सा वर्ड बताया हुआ है? गुजरात का गुजारा रात। ठीक है, गुजरात का मैंने हमेशा आपको क्या बताया हुआ है? गुजारा रात। ठीक है, तो गुजारा रात। अब यहाँ पे गुजारा रात कहाँ पे? वहां पे था नर्मदा। वहां पे क्या था? नर्मदा। याद आया ना? तो गुजारा रात कहाँ पे था? नर्मदा, नरम गद्दा। बट अब यहाँ पे गुजरात का मैंने रात गुजारा होटल में। कहाँ गुजारा? होटल में। होटल को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? होटल। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5, एक बीच में लाइन मारा। ठीक है, तो अप्रैल मई। ठीक है, 1 मई। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अब झारखंड दिया हुआ है। ठीक है, झारखंड में आप क्या बना सकते हो? झारखंड को क्या बना सकते हो? यहाँ पे झाड़ दिया हुआ है, तो झाड़ है। या तो आप झाड़ बनाइए या तो आप झाड़ बोलिए, आप कुछ ही बोल सकते हैं। तो झाड़ है, यहाँ पे झाड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी झाड़ को हम क्या कर सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे या तो झाड़ बोलिए या तो झाड़ बोलिए, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। बट अगर हम झाड़ बोलेंगे तो चलेगा, झाड़ू बोलिए। ठीक है, चलेगा झाड़ू। ठीक है, झाड़ से, झारखंड से झाड़ू। तो आजकल झाड़ू एडल्ट लोग मारते हैं। कौन मारता है? एडल्ट। कौन मारता है? एडल्ट लोग मारते हैं सबसे ज्यादा झाड़ू। कौन मारता है आजकल? एडल्ट लोग मारते हैं। तो एडल्ट से क्या आ जाएगा? देखिए, एडल्ट को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 1-5-1-1। ठीक है, 15 नवंबर। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लिखा और 5 लिखा, फिर मैंने 1 लिखा और 1 एक्स्ट्रा कहां से आया? ये इंपॉर्टेंट है। ये चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में, बहुत सारे लेक्चर में नहीं बताया हुआ है, भूल गया था मैं। ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया था, बट इस बार बता रहा हूँ कि जो हमने कैलेंडर्स भी पढ़े थे, जो हमने इम्पोर्टेंट डेज पढ़े हुए थे, तो वहां पे मैंने एक चीज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने उस समय बताया नहीं, क्योंकि मैंने वो चीजें पढ़ाई नहीं थी, नवंबर तक मैं पढ़ाया नहीं था, तो मैंने उसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी थी टेलीग्राम पे, बट चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर आप नवंबर में देखेंगे तो 1 ही आएगा, हम एक्स्ट्रा 1 लगाते हैं। क्यों बता रहा हूं? देखिए, हमारे पास 1 का 2 कोड होता है, टी और डी होता है। क्या होता है? टी और डी होता है। तो आप ऐसा हमेशा याद रखिए कि जब भी लास्ट में टी होता है तो हम जैन लगाते हैं, बट अगर टी आया
डी होता है लास्ट में तो जैन लगाते हैं, बट अगर लास्ट में टी आया तो हम वन ऐड करके उसको नवंबर बना देते हैं। अगर टी आया तो एडल्ट आया, लास्ट में क्या है टी, तो वन आएगा तो हम वन ऐड कर देंगे, बट डी आएगा जिससे हमारा दादा वाला था, नाक को कौन काट लिया, दादा ने, सॉरी नाक, नाक किसको काटा, दादा को काटा, तो दादा को ब्रेक करेंगे तो वन वन आएगा। ठीक है, अगर लास्ट में टी आता था तो हम वन ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि टी आया तो वो नवंबर का होता है। ठीक है, चलिए अब उसी के साथ आगे चलते हैं, पंजाब। अब पंजाब को अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पंजा आता है, पंजा सीधी सी बात है, पंजाब पंजा तुरंत याद होता है। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपको एक व्यक्ति, ठीक है, आपके कंपनी में जॉब करता था, ठीक है, अब आपने उसने आपसे पगार मांगा, बट आपने उसको पगार नहीं दिया, तो वो आपको बाय बाय कर रहा है, टाटा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टाटा टाटा, वो टाटा टाटा करते ही चले जा रहा है, जैसे गांव में बोलते हैं ना टाटा, उसी तरह से आपको क्या बोला उसने, टाटा। तो टाटा को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, वन वन, ठीक है, बीच में लाइन, बट यहाँ पे टी है तो क्या होगा, इलेवन, ठीक है, वन नवम्बर, समझ में आपको, ठीक है। तो इस तरह से अब वहां पे टी टी था तो वन वन आया, बट यहाँ पे लास्ट में टी था तो वन ऐड कर देंगे, ना कि जनवरी का होगा, जनवरी का क्यों नहीं होगा, ऐसा भी तो था तो वन वन तो जनवरी भी हो सकता था, बट नहीं, क्यों, क्योंकि डी रहेगा लास्ट में तो ही वन आएगा, अगर टी है तो वन ऐड कर देंगे, वन नंबर हो जाएगा। अब क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तो अब इस महाराष्ट्र हमने महाराजा से बोला था, राजस्थान, राजस्थान का राजा का स्थान, राजा का स्थान, ठीक है, अब महाराष्ट्र का महाराजा, तो ऐसा इमेजिन कीजिए कि महाराजा लोग जो होते हैं उनके पास दिल नहीं होता, उनके पास क्या नहीं होता है, दिल नहीं होता, तो दिल को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे फाइव, वन फाइव, ठीक है, उनके पास क्या नहीं होता, दिल नहीं होता। अब हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, हरिया नाम का एक व्यक्ति है, हरिया नाम का एक व्यक्ति है जिसको आप गांव छोड़ने जा रहे हो, जिसको आप कहीं भी कुछ भी इमेजिन कीजिए, आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है। तो हरिया नाम का एक व्यक्ति है, सपोज उसको आप गांव छोड़ने जा रहे हो और उसको ट्रेन में बैठा दिए, अब वो गांव चलने लगा, जब गांव जाने लगा तो आपने उसको दूर से ऐसा क्या बोला, टाटा बोला, क्या बोला, टाटा, तो जब उसको टाटा बोला तो यही आएगा, एक नवम्बर, ठीक है, इस तरह से। अब अगला क्या है, मिजोरम, ठीक है, अगला क्या है, मिजोरम, तो मिजोरम का क्या है, मिजोरम को अगर हम पढ़ेंगे तो मजाक आ रहा है, क्या आ रहा है, मिजोरम को अगर हम ढंग से पढ़ेंगे तो क्या आता है, मजाक आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मजाक, ठीक है। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि इंसान लोग को राम का मजा लेने में अच्छा लगता है, राम का मजा लेने में क्या आता है, अच्छा लगता है, किसको, इंसान लोग को, इंसान लोग राम का मजा लेते हैं, इंसान लोग किसका मजा लेते हैं, राम का, या फिर ऐसा ऐसा भी बना सकते हो, नहीं नहीं ठीक है चलेगा, इंसान लोग राम का मजा लेते हैं, ओके। आपको और भी कोई अच्छा टेक्निक आता है तो आप अच्छा टेक्निक भी बना सकते हैं, कोई भी वर्ड आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं जिससे और ज्यादा कॉमेडी हो, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका भी कोई मुझे बना के दिखाएं, ठीक है, आप लोग मुझे इसका बनाएं, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नहीं बताऊंगा आपको, ये आप मुझे बताएंगे इसका आंसर, ठीक है, कुछ नया टेक्निक बनाइए, मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा अच्छा आंसर देते हैं, वही लोग इस बात का आंसर दे पाएंगे। तो मिजोरम कब स्टैब्लिश हुआ था उसका अकॉर्डिंग करके मुझे बताइए, ठीक है, चलिए। तो अभी ये 12 हो चुके हैं, इसके जस्ट अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू आपको करा के देने वाला हूं, ठीक है, तो तब तक ठीक है, तो ये हो गए पूरे 12, इसके बाद जस्ट इसके अगले वीडियो में मैं पूरा आपको 22 करा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे 12, वहां पे थोड़े से 10 करा देंगे, इसके बाद ये 22 के बाद जितने में आपको होमवर्क जितने बचेंगे जितने स्टेट वो आपके लिए होमवर्क होंगे, और आप मुझे कमेंट नीचे करके बताएंगे कि उन स्टेट को आपने किस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को शेयर नहीं किया हुआ है, ठीक है, कहीं शेयर करिए ताकि और भी बच्चे ज्यादा इससे जुड़ सके और चीजें ये लोगों तक पहुंचे, ठीक है, क्योंकि बहुत बेटर और बहुत अच्छा टेक्निक्स होते हैं, पीरियड टेबल लगभग अगर ये उनके काम का नहीं रहेगा तो पीरियड टेबल तो काम का होगा, तो पीरियड टेबल बच्चे सीखेंगे जो भी 11th 12th के आपके आजू बगल बगल में जो भी 11th 12th के पढ़ते हैं या कहीं और दूर शहर में पढ़ते हैं, तो उनको आप वो चीजें शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।